तो बात हरियाणा की कर लेते हैं। तो खरगोदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप में स्थापित किए जाने वाले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट के लिए भूमि के आवंटन को लेकर समझौता हो चुका है। समझौता हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कभी कृषि का केंद्र होता था, लेकिन कृषि के साथ साथ राज्य में उद्योग भी अब आगे बढ़ा है। चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे आईटी का हो, चाहे किसी सर्विसेज के नाते से किसी भी नई पॉलिसी बना करके लोगों को सुविधा दी जाए। सुविधा देने में हरियाणा जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 3 साल पहले जो मूल्यांकन हुआ उसमें हम थर्ड लेवल पर यानी थर्ड रैंकिंग पर थे हरियाणा। फर्स्ट और सेकेंड हमारे से आगे केवल तेलंगाना और आंध्रा थे, उसके बाद हरियाणा वाज थर्ड वन। तो इसलिए बहुत लोगों को लगा कि हरियाणा जो है डेस्टिनेशन का एक अच्छा स्थान है। संयोग से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो इतना निकट है गुरुग्राम के, मैं कह सकता हूँ कि गुरुग्राम इज मोर नियरर टू आईजी एयरपोर्ट देन दिल्ली। दिल्ली दूर है, गुड़गांव नजदीक है। तो इसलिए गुड़गांव एक स्वाभाविक इस प्रकार का एक डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट के नाते हम हिसार का एयरपोर्ट इसको भी विकसित कर रहे हैं ताकि इसी प्रकार का एक हब हिसार में भी बने। हिसार अपने आप में एक ऐसा औद्योगिक पुराना नगर है, लेकिन परंपरागत जो पुरानी इंडस्ट्री वहाँ है उसके साथ साथ आज की आवश्यकता के हिसाब से जो नई इंडस्ट्री की आवश्यकता है उसको हम बना रहे हैं। जैसा डिप्टी सीएम ने कहा कि हम ब्लॉक वाइज यानी एमएसएमई की जो क्लस्टर्स हैं, एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक उसके ऊपर एक क्लस्टर बना करके और नए लोगों को भी उद्योग करने में प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि व्यक्तियों को जहां है वहीं